आज हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से, जिसका कोड है 304 और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के बारे में। माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है कपलिंग प्रॉप्स। कपलिंग प्रॉप्स का मतलब होता है जोड़ने वाली छड़। कपलिंग प्रोब का काम क्या होता है, ये एक तरीके से मेटालिक वायर्स होते हैं। कपलिंग प्रोब जो होते हैं एक मेटालिक वायर होते हैं, जिनका काम होता है वेवगाइड को कोएक्सियल केबल से जोड़ना। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, ये हमारा जो है इसका फिगर है कपलिंग प्रोब का। यहाँ पर ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड हमें दिख रही है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड से ये हमारी एक कोएक्सियल केबल जो है कनेक्टर के माध्यम से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर जो कनेक्टर है, ये हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये एक प्रोब ले रहे हैं जो एक तरीके से क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोब या छड़। ये हमें यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। इसके साथ ही इसके लेफ्ट साइड में जो है हमारा क्या है, इसका तुल्य परिपथ। इसका जो इसके बाद कपलिंग प्रोब्स का काम क्या होता है कि कपलिंग प्रोब प्रोवाइड्स एक्साइटेड फील्ड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जो कपलिंग प्रोब्स होती हैं, ये क्या होती है, उत्तेजित क्षेत्र पैदा करती हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर। रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या है, हमारी एक आयताकार वेवगाइड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करवाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होता है, हैज टू टाइप्स ऑफ मोड, मतलब दो मोड्स में ये काम करती है हमारी रेक्टेंगुलर वेवगाइड। दो मोड जो है हमारे, एक है ईएम मोड, एक है हमारा टीएम मोड। ईएम मोड को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, और टीएम मोड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स का मतलब होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। तो जो हमारी लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जो है ट्रेवल कर रही है वेवगाइड के अंदर, उसके परपेंडिकुलर अगर हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो ये क्या होगा हमारा टीई मोड। इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें लाइन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के लंबवत क्या हो, हमारा विद्युत क्षेत्र हो। और एक होता है हमारा टीएम मोड, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। इसमें लाइन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वेव का, उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसलिए इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स से मतलब है हमारा परपेंडिकुलर होना लाइन ऑफ प्रोपेगेशन से, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कपलिंग प्रोब होता है, इसका काम होता है एक्साइटेड फील्ड जनरेट करना रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। यहाँ पर एक चीज नोट करने योग्य है कि टीईएम जो मोड है नॉट एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीईएम मोड एग्जिस्ट नहीं करता है। कपलिंग लूप, इसका कार्य वेवगाइड में प्रतिबाधा को नियंत्रित करना होता है। मतलब प्रतिबाधा जो होता है, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को हम किस तरीके से नियंत्रित करें, ये काम किसका होता है वेवगाइड के अंदर, ये काम होता है हमारा कपलिंग लूप का। इसमें भी क्या होता है, ये भी एक कंडक्टिंग वायर होता है जो मेटालिक वायर होता है, बट ये जो होता है एक लूप की तरह से इसका शेप होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कपलिंग लूप। जो इसका स्ट्रक्चर है कपलिंग लूप का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा कपलिंग प्रोब से। मतलब कपलिंग प्रोब को हम इजीली यूज कर सकते हैं इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स में अपेक्षाकृत कपलिंग लूप के। लूप का काम क्या होता है, प्रतिबाधा को नियंत्रित करना है। अब ये इसका हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तुल्य परिपथ है वेवगाइड। जो हमारी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, इसके अंदर जो
वेव जो ट्रेवल करती है वो किन मोड्स में वर्क करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो है इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगा हुआ है, प्रोब लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो मोड होगा हमारा TE10 मोड होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारा जो लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ डायरेक्शन ये है हमारी, इस डायरेक्शन में इस एंड से हमारी वेव क्या होगी, एंटर करेगी, और उसके परपेंडिकुलर हमने क्या लगा रखा है, प्रोब लगा रखा है, तो इसका मोड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 1 होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर लाइन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। इस वजह से यहाँ पर TE10 मोड वर्क करेगा इस कंडीशन में। और ये हमारा जो दूसरा डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रखी है, दो प्रोब्स हमारी किस डायरेक्शन में लगी हुई है, नीचे से हमने लगा रखी है दो प्रोब्स, और लाइन ऑफ डायरेक्शन कौन सी है हमारी वेव की, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से हम वेव को एंटर करवा रहे हैं वेव गाइड के अंदर। तो यहाँ पर हमारी क्या होंगी, दो प्रोब्स हमारी लगी हुई हैं जो हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगी हुई हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे TE20 मोड। इसके बाद हम देखेंगे अगले फिगर में, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोब जो लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में लगा हुआ है, और ये जो एंड होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड, क्योंकि हम क्या जोड़ रखी होती है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड जिस डायरेक्शन में हम वेव को ट्रेवल करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं, वो हमारा शॉर्ट सर्किट एंड कहलाता है। ये वाला हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट एंड है, इसमें भी ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट एंड है, ये यहाँ पर ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट एंड है और ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट एंड है। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा मोड काम करेगा, TM11 मोड हमारा यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन जो है उस डायरेक्शन में हमारी क्या है, प्रोब हमने लगा रखा है, तो यहाँ पर जो मोड होगा ये होगा हमारा TM11 मोड। इसके बाद हम देखेंगे TM21 मोड, इसमें हम क्या, इस दो प्रोब लगा हुआ है इसलिए इस मोड को हमने क्या नाम दे दिया, TM21 मोड। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ पे पढ़ा है वेरियस मोड्स ऑफ एक्साइटेशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड और कपलिंग प्रोब और कपलिंग लूप के बारे में।